हेलो भाई, तो ये मैंने शॉकर एकदम क्लीन कर लिया अच्छे से। देखो आपको मिट्टी भी नहीं दिख रही होगी नाइफ पे। और ये मेरी न्यू शॉकर सीले हैं और ये फॉर कोयल है, मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप सब, तो ये वीडियो बहुत ही लंबे टाइम बाद आ रही है क्योंकि मैं साल से मेरे पास कुछ था भी नहीं और मैं बहुत बिजी भी चल रहा था। चलो कोई बात नहीं, आज हो रहा है दिनों से काम। तो इस दिनों से मैं क्या काम हो रहा है, सर्विस वगैरह तो हो ही गई है पर मैं आपको फिर भी समझा दूंगा। और आगे इसके शोकर का काम हो रहा है, शोकर कैसे रिपेयर होते हैं सुपर बाइक के, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। चलो काम को आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर के 6 नंबर एल के बोल्ट लूज कर लेना है, फिर ये 10 नंबर के, और ये मेन 14 नंबर एल के का एक्सल का बोल्ट होता है, और ये कैलिपर उतार लेने हैं दोनों साइड के। ऐसे ही सेम इस साइड से होएगा, तो चलो उतारने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सबसे पहले 6 नंबर एल के का बोल्ट लूज कर लेना है, फिर 10 नंबर के, और फिर 14 नंबर मेन एक्सल का बोल्ट, और दोनों कैलिपर के बोल्ट खोल लेना है, कैलिपर दोनों बाहर निकाल लेने हैं। इसी तरह से हमारे दोनों शोकर निकल जाएंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ शोकरों में क्या रिपेयर करना है और क्या नहीं। ये देखो लीकेज दिख रही है ना आपको, शोकरों की लीकेज कैसी है, तो यही दिखाने वाले हैं Z900 की शोकर की सर्विस कैसे की जाती है। तो जैसे मैंने बताया था, यहाँ सिर्फ शोकर तो सिंपल प्रोसेस में बाहर आ गया, इसकी मैंने शोकर की लीकेज देखी है, आपको भी दिखा देता हूँ अंदर से लीकेज। ये देखो शोकर की लीकेज भी, शोकर ओपन करूँगा वो भी दिखाऊँगा। ये सीने कावासाकी की, और शोकर इसके बाद कैसे ओपन होएगा, क्या क्या होएगा, मैं आपको वो भी डिटेल में बताता रहूँगा। तो वीडियो में बने रहे, देखते रहें। जो फोर्क के एक ऊपर 22 नंबर का नट होता है, ये खोलने की ट्रिक ये देखो, पहले किसी ने ना इतने गंदे तरीके से खोला हुआ था, इसको मैंने गोटी लगा के खोला है। तो इसकी ट्रिक क्या होती है खोलने की, वो भी मैं आपको बता दूंगा बहुत अच्छे से। और इसके नीचे एक 8 नंबर एल का बोल्ट होता है, वो भी ओपन करना है, वो कैसे ओपन करना है वो भी आपको बताता हूँ। इसको पहले खोल लेता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने Z900 का शोकर ओपन कर लिया, पर आपको इसमें सिंपल सी बात बता दूँ, आप जब भी शोकर ओपन करो ना, तो जैसे आप ओपन कर रहे हो वैसे ही रखो। अगर आप नए पहली बार शोकर जो भी खोल रहे हो, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ सिक्स, इसको मैंने जैसे खोला वैसे ही रख दिया, आपको समझाने के लिए कि आप समझ पाओ। जो इसका ऊपर का शोकर का मेन बोर्ड खुलता है वो कैसे खुलता है, उसके भी मेरे पास ट्रिक है। अगर किसी को ना समझ आए तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको अपना पर्सनल नंबर शेयर कर दूँगा, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। तो ये मैंने शोकर एकदम क्लीन कर लिया अच्छे से, देखो आपको मिट्टी भी नहीं दिख रही होगी नाइफ पे। और ये मेरी न्यू शोकर सीले हैं और ये फोर कोयल है, मोटर का यूज़ कर रहा हूँ। डिटेल में समझा देता हूँ उसको फिट कैसे करना है। ये देखो डस्ट सील, उसके बाद लॉक, फिर सील, फिर वार्शल, फिर बुश, फिर शोकर का बुश, ठीक है। ये आपको एक बार फंसा के ही फिर से दिखा दूंगा कि कैसे ये फिट किया, ठीक है। आपको फिर से एक बार फंसा के भी दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे फिट करना है, कैसे क्या। जैसे खोला वैसे ही लगाना है। देखो डस्टबोर्ड ऐसे है ना, ये अंदर का हिस्सा, ये बाहर का है, तो इसको मैं ऐसे ही लगाऊंगा, ठीक है। ये जितना सामान है ये भी सील ऐसे ही लगेगी, और ये वार्शल भी ऐसे उतारी तो ऐसे ही है, सब कुछ ऐसे ही फिट होएगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आया तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। ये मैंने डस्ट सील लगा दी है, ये जो अपनी ऑयल की सील है ना, उसको लगाने से पहले यहाँ पे सेलो टेप जरूर लगा लें। और ये मेरी सील है, इसके अंदर की साइड ना मैंने ऑयल लगा लेना। ये देखो ये सील मैंने नीचे कर ली है, ऑयल सील, डस्ट सील, लॉक, और इसकी एक रिंग भी है, वो यहाँ पे होएगी अंदर, वो आपको रिंग दिख रही है। वो रिंग मैं बाद में लगाता हूँ, क्योंकि इससे ऑयल सील जो यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं ना, उससे रिंग लूज हो जाती है। अगर पहले डाल देता हूँ उसके बाद ये और पकड़ इसकी अच्छी हो जाती है, तो आप हमेशा ही ऐसे करें। अब इसमें बॉटम लगा लेते हैं, ये कंप्लीट बुश वगैरह सब कुछ कंप्लीट लग गए। वार्शल जैसे बताया था वैसे ही रखना, वैसे खोलना ईजी है, और अब फिट कर देते हैं इसे। तो ये जो मैंने सील ठोकी है ना, वो आपको मैं बता दूँ, ये एक शॉपर की सील है, ये वैसे हार ले गई है मैंने, इसको ना जुगाड़ बना के इसको मैं यहीं से खींच के फंसा देता हूँ, फिर ऊपर से इसको फाइबर हथौड़ी की हेल्प से कुछ करके ठोक के इसको फिक्स कर देता हूँ। और इसमें ऑयल डलता है Z900 के शोकर में 515 ml, तो मेरे पास 175 और गुना 3 525 ml हो गया, मतलब मुझे 3 शीशियाँ डालनी है और ये अपना शोकर कंप्लीट है। हो गई अपनी Z900 पूरी रेडी, जिस तरीके से खोली उस तरीके से सिंपल ही तौर में फिट हो जाती है शोकर, इसमें वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। चेक करो कैसी लग रही है हमारी Z900, और इसको चलते हैं टेस्ट के लिए बाहर लेके।
नौकर काफी अच्छे वर्क कर रहे हैं। मैं आपको अच्छे से समझा तो नहीं पाया, पर नेक्स्ट टाइम कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ, क्योंकि टोन नहीं थे प्रॉपर, तो टोन होएंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। तो इस बार के लिए सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आऊँगा नेक्स्ट टाइम, वो भी सुपर बाइक की।